तो यार आप तो कमाल के हो, जब से मैंने ओरियन वर्सेस वुकोंग वाली वीडियो बनाई है आप लोग भर भर के कमेंट कर रहे हो कि शक्ति भाई ओरियन वर्सेस क्रोनो कैरेक्टर लाओ, इन दोनों में से बेस्ट कौन है, हमारा पुराना क्रोनो कैरेक्टर या फिर हमारा फ्री का ओरियन कैरेक्टर। तो यारो ये जो 10 पॉइंट देख रहे हो उसके बेसिक पर हम लोग ओरियन एंड क्रोनो को कंपेयर करेंगे एंड लास्ट में देखेंगे किसको कितना पॉइंट मिलता है। सो बिना टाइम गवाए मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज यार वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इस वीडियो में अगर 20 के लाइक कंप्लीट होता है देन आप ओरियन के साथ जिस भी कैरेक्टर का वर्सेस करने बोलोगे मैं वीडियो बनाऊंगा। सो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा कूलडाउन टाइम, यानी हम लोग एक बार इन कैरेक्टर्स को यूज करने के बाद दोबारा कब और कितने टाइम के बाद इनको रीयूज कर पाएंगे फिर से। एंड ये पॉइंट साफ साफ हमारा ओरियन के तरफ जाएगा क्योंकि आपको पता होगा ओरियन का कूलडाउन टाइम सिर्फ 3 सेकंड है, मतलब एक बार यूज करने के बाद फिर से आप दोबारा ओरियन को 3 सेकंड के बाद यूज कर सकते हो। बट वहीं पर अगर क्रोनो की बात किया जाए तो इन भाई साहब का कूलडाउन टाइम 110 सेकंड है, इसीलिए इस पॉइंट का विनर है ओरियन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है यूज टाइम, यानी इन दोनों का स्किल को आप कितनी टाइम तक यूज में ले सकते हो, जो कि एक तरीके से इंपॉर्टेंट भी है, जिसको हम लोग जितनी टाइम तक यूज कर पाएंगे वो बेहतर है। पहले बात करते हैं क्रोनो का यूज टाइम की, आप क्रोनो को 6 सेकंड के लिए यूज कर सकते हो, ये जो सील्ड है 6 सेकंड के लिए रहता है, बट ओरियन का यूज टाइम सिर्फ 3 सेकंड है, तो यहाँ पर क्लियर विनर है क्रोनो, इसीलिए एक पॉइंट जाता है क्रोनो के तरफ एंड ओरियन को मिलता है इस बार 0। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डैमेज, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। इन दोनों में से हमें सबसे ज्यादा डैमेज से कौन बचा सकता है, पहले क्रोनो की बात करते हैं। हाँ, क्रोनो का शील्ड जो है डैमेज प्रूफ है एंड क्रोनो आपको एनिमी के गोलियों से एंड ग्रेनेड से बचा सकता है, बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है, क्रोनो का शील्ड पूरी तरीके से बुलेट प्रूफ नहीं है, ये जो शील्ड है आपको सिर्फ 800 डैमेज तक बचा सकता है। अगर 800 से ज्यादा डैमेज कोई देता है तो ये टूट जाएगा, बट हमारा ओरियन कैरेक्टर पूरी तरीके से इमोर्टल है, ये जब भी अपना स्किल के अंदर होगा इसको आप किसी भी तरीके से मार नहीं सकते। इसी बात पे ओरियन को मिल जाता है डैमेज वाली पॉइंट एंड यहाँ पर क्रोनो को मिलता है 0। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसाइड स्किल एबिलिटी, यानी आप इनके स्किल के अंदर रहते हुए क्या कुछ कर सकते हो। पहले बात करते हैं क्रोनो की, आप क्रोनो के शील्ड के अंदर रहते हुए मेडकिट यूज कर सकते हो, बॉनफायर यूज कर सकते हो, वॉल लगा सकते हो एंड थोड़ा सा बाहर निकलकर प्रैक्टिकली ग्रेनेड भी फेंक सकते हो, बट ये सारा चीज आप ओरियन के साथ नहीं कर सकते, ना ही आप मेडकिट यूज कर पाओगे, ना ही ग्रेनेड फेंक पाओगे, ना ही वॉल लगा सकते हो, इवन गन तक स्विच भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए इस वाली पॉइंट का विनर है क्रोनो कैरेक्टर एंड ओरियन को यहाँ पर 0 पॉइंट मिलता है। ओके, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एक्स्ट्रा एबिलिटी, मतलब इन कैरेक्टर्स में से किसके पास प्रैक्टिकली ज्यादा एबिलिटीज है। पहले क्रोनो की बात करें, इसका एबिलिटी एक ही है, क्रोनो सिर्फ एक शील्ड बना सकता है एंड आपको डैमेज से बचा सकता है, बस इतना ही, कुल मिला के एक ही एबिलिटी है। बट जो पुराने बंदे हो कमेंट करो पहले क्रोनो का एबिलिटी क्या हुआ करता था, देखते हैं कितनों को पता है। बट अगर हम लोग ओरियन कैरेक्टर की बात करें, इसके पास 2 एबिलिटी है, एक है ये कुछ इस तरीके से आग का गोला में बदल सकता है, देन उसके ऊपर किसी भी तरीके से डैमेज नहीं पड़ सकता, एंड इसका सेकेंड एबिलिटी है कि ये एनिमी का 30 HP खींच कर अपने अंदर ला सकता है। तो इसीलिए एक्स्ट्रा एबिलिटी वाली पॉइंट ओरियन को जाता है एंड यहाँ पर थोड़ा सा हमारा क्रोनो चूक जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है फायर कैपेबिलिटी, मतलब अब इन दोनों का स्किल के अंदर रहते हुए एनिमी को फायर कर सकते हो या फिर नहीं। देखो, ये दोनों कैरेक्टर को यूज करके आप ना बाहर वाले एनिमी को मार सकते हो, ना ही बाहर वाले एनिमी आपको मार सकते हैं, बट यहाँ पे एक पॉइंट क्रोनो को इसीलिए जाएगा क्योंकि आप प्रैक्टिकली थोड़ा सा शील्ड के बाहर जाकर फायर करके फिर से अंदर आ सकते हो, बट ओरियन कैरेक्टर में आप बिल्कुल फायर ही नहीं कर सकते, आपका फायर बटन ब्लॉक दिखाएगा, स्किल खत्म होगा देन आप फायर कर सकते हो। तो इसीलिए ये राउंड का एक पॉइंट जाता है क्रोनो के खाते में एंड ओरियन को मिलता है 0 पॉइंट। वैसे आपको क्या लगता है, अगर ओरियन के स्किल के अंदर से हम लोग फायर कर सकते थे एंड उसके बाद उसका एबिलिटी टूट जाता जैसे वुकोंग में होता है, मेरे हिसाब से ये बढ़िया रहता, आपको क्या लगता है कमेंट करके बताओ। ओके, हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है फॉल डैमेज, यानी ऊपर से कूदने से इन दोनों कैरेक्टर्स में से किसको डैमेज नहीं पड़ेगा। यहाँ पर ऑब्वियसली अगर तुम क्रोनो को लेकर कहीं से कूदोगे तो आपको डैमेज पड़ेगा, हक दिया, बट ये राउंड को ओरियन बाजी मार लेता है क्योंकि हाइट से कूदने पर ओरियन को कुछ भी डैमेज नहीं पड़ता है, इसीलिए फॉल डैमेज वाली पॉइंट जाता है ओरियन को एंड क्रोनो को मिलता है घंटा। बट यहाँ पर एक और बात है, ओरियन का स्किल यूज टाइम 3 सेकंड है, तो आप इसको लेकर ज्यादा ऊपर से नहीं कूद सकते, आप जब भी कूदोगे बीच में इसका स्किल खत्म हो जाएगा एंड आप नीचे गिरकर मर जाओगे। ओके, नेक्स्ट राउंड का पॉइंट है बेनिफिट फॉर टीम,
यानी इन दोनों में से कौन आपका यूज में आने के साथ साथ आपका दोस्त का भी काम में आएगा। पहले ओरियन की बात करें, ये बिल्कुल सेल्फिश है। इसका स्किल सिर्फ जो उसको यूज करेगा उसको फायदा देगा, टीममेट्स को कुछ भी नहीं मिलेगा। बट यहाँ पर क्रोनो हीरो बनकर अपना दोस्त को भी बचा सकता है अगर कोई ग्रेनेड करता है या फिर कोई गोली मारता है। तो इसीलिए ये राउंड का पॉइंट जाता है क्रोनो को एंड ओरियन को मिलता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है व्हीकल डैमेज, यानी गाड़ी से कौन बच सकता है। अगर आप क्रोनो को यूज करके गाड़ी से बचने का कोशिश करोगे तो गाड़ी आपको बिल्कुल कुचल कर कीमा बना देगा। बट यहाँ पर ओरियन कैरेक्टर अमर है, इसके ऊपर से गाड़ी लेकर जाओ या फिर घोड़ा लेकर जाओ, इसका बाल भी बाका नहीं होगा। तो इसीलिए ये पॉइंट को अपने बगल में घुसाकर आराम से ओरियन कैरेक्टर अपने तरफ ले लेता है एंड क्रोनो को मिलता है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हमारा लास्ट पॉइंट की तरफ जो कि है इंडिपेंडेंट। मतलब ये कैरेक्टर्स खुद के दम पर चल सकते हैं या फिर नहीं। पहले क्रोनो की बात किया जाए, ये फुल्ली इंडिपेंडेंट है जिसका स्किल को वो खुद से बिना किसी का हेल्प लेकर चला सकता है। बट ओरियन कैरेक्टर ईपी पर डिपेंडेंट है। अगर आपके पास 150 ईपी नहीं है देन आप ओरियन को यूज ही नहीं कर पाओगे। अभी ये मत बोलना मशरूम खा लेंगे, कैरेक्टर लगा लेंगे, पेट लगा लेंगे, जो भी करो वो सारा कुछ जुगाड़ है। हमें ये मानना पड़ेगा कि ओरियन खुद के दम पर चल नहीं सकता, वो ईपी से ही चलेगा। तो इसीलिए इंडिपेंडेंट राउंड का पॉइंट जाता है क्रोनो को एंड ओरियन को मिलता है इस बार 0 पॉइंट। अगर दोनों का स्कोर टेबल को देखा जाए तो ओरियन को मिला है 10 में से 5 पॉइंट एंड क्रोनो को मिला है वही 10 में से 5 पॉइंट। तो यार ये थे कुछ इंपॉर्टेंट कंपैरिजन ओरियन एंड क्रोनो के बीच में। एंड आप लोग कमेंट करके बताओ आपके हिसाब से कौन बेस्ट है एंड आप किसको यूज करते हो। एंड ये भी बताना आप नेक्स्ट किस कैरेक्टर के साथ किसका वर्सेस देखना चाहते हो।